अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुश होंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ जी, न्यूप्लेक्स में आई हुई हूँ। और न्यूप्लेक्स में आप लोगों को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जी इम्तियाज़ जो है वो ओपन हो गया है यहाँ पर द प्लेस में। तो यहाँ पे जो है मैं आई थी, और यहाँ पे जी मूवी आने वाली है बैटमैन ना, तो इसकी जी एडवांस बुकिंग हो रही थी। तो मैंने कहा चलें क्लिप बनाते हैं इसका भी, और ये सुना है जी बहुत ही अच्छी मूवी होगी जो कि 4 मार्च को आ रही है, फ्राइडे वाले दिन रिलीज़ हो रही है। तो देखें कैसी होती है ये मूवी। तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अब तो खैर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ आने वाली हैं, आई थिंक ईद पर रिलीज़ हो रही हैं काफ़ी सारी मूवीज़, एक चक्कर आ रही है और काफ़ी सारी आ रही हैं। तो आप लोग बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? और यहाँ पे मैं ये कर रही थी, इसका क्लिप बना रही थी, और इसके बाद जी मैंने जाना था अपने भाई के घर। तो वही बस मैं यहाँ पे आई थी, मुझे कुछ परचेजिंग करनी थी, वो करने के लिए मैं यहाँ पे आई हुई थी, तो मैंने ये पूरी वीडियो बना ली। और जनाब आजकल तो बड़ी गर्मी हो गई है, जैसा कि मौसम बहुत चेंज हुआ है और अच्छी खासी गर्मी हो गई है, मतलब सर्दी कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चला। और वैसे भी कराची में मिनिमम इतनी ही सर्दी होती है, इससे ज़्यादा होती नहीं है। और ये हुआ कि मैं यहाँ से निकल रही थी, घर जा रही थी, और यहाँ पे जो है ये है जी सेकंड डे की मूवी है, वीडियो है, और ये मैं आई हुई हूँ अपने भाई के घर पर। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने बैठ गई थी, उनके भाभी वगैरह लोग कह रहे थे कि जी ये है जी 4 बजे का टाइम ना, उन्होंने कहा यार चलो रिफ़्रेशमेंट में कुछ मंगाते हैं, तो वो भाभी चीज़ें वगैरह मंगा रही थी। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ ना, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो बनाने लगी। और वो पूछ रही थी कि क्या मंगाऊँ, तो मैंने कहा जो दिल चाह रहा है मंगा लें, क्योंकि जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी घर में हमारे है शादी, तो उस वजह से हर कोई डाइट पर ही है। तो बस मैंने उनसे कहा कि जी बस जो भी है ना वो लाइट सा मंगा लें, लेकिन आपको पता है जब सारे लोग एक साथ बैठे हैं और पूरे फैमिली मेंबर्स, तो फिर डाइट शाइट तो होती नहीं है, फिर तो बस खा लिया जाता है। और ये होता है कि जी जो है ना वो नेक्स्ट डे से करेंगे जो भी डाइट करनी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ऐसा किस किस के साथ होता है। हम लोगों के साथ तो यही होता है जब सारे घर वाले मिल के बैठते हैं, तो होता है चलो यार कुछ ऑर्डर कर देते हैं और फिर नेक्स्ट डे देखेंगे, चलो कोई मसला नहीं। खैर यहाँ पे बहुत मेरे मना करने पे ये तो हम लोगों ने खा लिया था। मुझे बाद में ख्याल आया कि जो है ना वो मैंने तो वीडियो बनानी थी, ये जी पैटीज़ थे, चिकन पैटीज़ थे, समोसे थे 2 तरह के, और ये बिस्किट्स थे, कोल्ड ड्रिंक थी, और ये हलवा था, ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों को खाने के बाद ख्याल आया। मैंने कहा यार मुझे तो वीडियो बनानी थी। खैर छोड़ो, फिर ये चाय मेरी जो है वो भतीजी लेकर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं चाय की वीडियो बना लेती हूँ ना। और यहाँ पे जी बड़ा मज़ा आया, आपको पता है मैं के जाओ तो वो एक अलग ही अपना खुशी होती है। तो यहाँ पे जी ये भाई मेरे और खुलूत के लिए लाए थे ये वाला ड्रेस, ये मैं आपके साथ मैंने कहा शेयर करती हूँ। तो ये रेड वाला खुलूत का है और ये ग्रीन वाला मेरा है ना, ये फरहान भाई लेकर आए थे, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। और पर्सनली मुझे ये कलर भी बहुत पसंद है जो ग्रीन कलर लेकर आए हैं, तो ये है, तो ये लेकर आए थे। अच्छा हमारे यहाँ ना मतलब बहुत अच्छी, मेरे भाई की चॉइस बहुत अच्छी है कपड़े वगैरह परचेज़ करने में ना। ये देखें ये रेड खुलूत का है, तो ये दोनों सूट वो मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ना, ये मुझसे कह रहे थे ये लेके जाना, मैं लेकर आया हुआ हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। और जो है ये, जबकि मेरा दिल चाह रहा था ये रेड कलर मैं ले लूँ ना, क्योंकि मुझे थोड़े इस तरह के कलर्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यही वो मुझे कह रहे थे कि रेड वाला खुलूत का और ग्रीन वाला तुम्हारा है। और फिर यहाँ पे जी बातें बातों में पूरा दिन पता ही नहीं लगा कैसे गुजरा। और फिर जी ये खाना लगा दिया था भाभी ने, तो ये हम लोग खाना खाने बैठ गए थे जी। ये बनी हुई है बिरयानी, और इसके साथ ये था रायता, और जनाब इसके साथ थी ये कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी, और चिकन कढ़ाई के साथ ये नान वगैरह थे। और भाभी ने बनाया हुआ था चिकन टिक्का भी ना, चिकन टिक्का। अच्छा भाभी मेरी नो डाउट बहुत टेस्टी खाने बनाती हैं, तो उन्होंने जो है ना चिकन टिक्का भी साथ में बनाया हुआ था, और उसके साथ वो भी मैं अभी आपको उसका क्लिप दिखाती हूँ। खैर इस टाइम तो हमें भूख लगी गई थी क्योंकि मेरे ख्याल में 9 बजे थे। ये देखिए ये चिकन टिक्के के पीसेस थे, लेकिन वो जो है साइड में, मैं भी उसको आपको उसका क्लिप दिखाती हूँ। और हम लोग यहाँ बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। ये देखें ये टिक्का वगैरह ये सारा था। तो
यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे और खाना भी इंजॉय कर रहे थे। और काफ़ी दिन हो गए, मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि जो है ना पूरा 1 वीक हो गया यार, इतना बिजी मतलब रूटीन रहा है ना मेरा। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि मैं शादी में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि जी मैं इस तरह के बॉक्सेस में ना केक रस वगैरह बिस्किट्स जो घर के होते हैं ना वो मैं इस तरह के बॉक्सेस में ले लेती हूँ, तो ये आपका समझ लें महीना आराम से निकल जाता है। मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएँ तो हो जाएँ, लेकिन यह है कि अगर आप गेस्ट वगैरह के लिए लें तो ये आपका काफ़ी लंबे अरसे चलते हैं। इसमें आपके ना आपकी चीज़ें फ्रेश रहती हैं। तो ये घर में ख़त्म हो गए थे तो मैं ये इनसे ले रही थी, ये पैक मैं करवा रही थी। तो ये मैं आपको दे रही हूँ सैटरडे की वीडियो ना। और मैं भी ये आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने कहा चलो मैं अब आज वीडियो डाल लेती हूँ। तो और वो भी देखें रात, बिल्कुल आधी रात हो रही है, तो मैंने कहा नहीं आज तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी ज़रूर ना। तो ये मैं जो है ये पैक करवा रही थी, और इसके अलावा रस्क वगैरह लेने थे वो ले रही थी। और बस यही रूटीन लाइफ चलती रहती है। और जो है टाइम का पता ही नहीं चलता यार, हालांकि दिन बड़ा हो गया है लेकिन जो है ना वो पता ही नहीं चलता कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। और एक्चुअली कुछ हम लोगों के साथ एक बीमारी भी है ना कि हम लोग रात में जागते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, फजर पढ़ के सोते हैं और फिर वो दिन चढ़े हम लोग उठते हैं तो बस ना वो दिन का बिल्कुल ही पता नहीं चलता है ना कि कहाँ दिन शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। खैर यहाँ सोनी पे तो बहुत सब लोग मुझे जानते ही हैं बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे जो है वो मुझे जो है भाई अच्छे से पैक करके दे रहे थे, उनको पता है मेरा चैनल भी है तो वो जो है। अच्छा, ये जो ऊपर आप शॉपर देख रहे हैं ना, ये रजब की जो टिक्कियाँ होती हैं ना वो इनके पास बहुत ही फ्रेश आई हुई हैं, और उसमें इतना सा भी जो है ना वो ऑयल नहीं था। तो मैंने इनसे कहा यार ये आप मुझे ना थोड़ा टेस्ट करने के लिए जो है ये दें, अगर ये सही लगा तो मैंने कहा फिर ये मैं घर के लिए लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना जस्ट लाइक अ बिस्किट। वरना वो जो टिक्कियाँ होती हैं उसमें होता ये है कि काफ़ी ऑयली होती हैं वो और बहुत हैवी कर जाती हैं, लेकिन ये इतनी कोई मुझे बेटर लगी थी ना तो मैंने कहा चलो ये मैं ट्राई करने के लिए लेती हूँ। फिर मैं ना नेक्स्ट डे आके ना ये वो उनसे वो टिक्कियों का भी ना एक बॉक्स जो है वो बनवा लूँगी, क्योंकि वो मुझे ना बहुत ही पसंद है ये टिक्कियाँ ना। और ये तो महीना खैर है, सबके यहाँ कूड़े वगैरह हो रहे होंगे, जो लोग नियाज करते हैं कुछ लोग नहीं करते, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन जो है इस महीने में ये सारा हो रहा होता है, लोग कूड़ों की नियाज दिलवाते हैं। तो बस यही मैं लेके यहाँ से निकल रही थी। और ये जनाब है उससे पहले की वीडियो है या उसके सेकंड डे की है, मैं आई हुई थी यहाँ पे वॉक करने के लिए और मैंने कहा अभी तो चलो हल्की हल्की ना, मतलब थोड़ा सा वेदर ऐसा है कि आप धूप में वॉक कर लेना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा धूप में वॉक करते हैं। वैसे भी ना हम औरतों का तो एक ही मसला है कि जी औरतों का क्या, हर एक का है कि जी विटामिन डी की कमी। तो मैंने कहा चलो जी यहाँ पे थोड़ा वॉक कर लिया जाए ताकि थोड़ी धूप भी लग जाए ना, वरना हम लोग स्किन के पीछे ना धूप में तो निकलते ही नहीं है ना। तो खैर मैं यहाँ पे स्पेशली आई थी धूप वाले टाइम में, ये होगा मिनिमम ये 3:45 का टाइम था, तो मैं यहाँ पे वॉक करने के लिए आई भी थी। और उसके बाद जो है ये रात का टाइम है, क्योंकि घर में हमारे बने हुए थे मटर चावल, मटर पुलाव, और मटर पुलाव खाने का किसी का भी मूड नहीं था और जो है बना लिया था काफ़ी सारा और दिल किसी का नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो मेरा दिल चाह रहा था कोई हलीम टाइप का खाने का ना, तो ये मैं जी इंडस आई हुई हूँ और इंडस से मैं इनसे ले रही थी हलीम ना, क्योंकि हमारे यहाँ ना मटर पुलाव तो सिर्फ फलूद बहुत शौक से खाती है, वरना हम हलीम नहीं खाती वो, तो मैं हम लोगों के लिए हलीम ले रही थी। मैंने कहा यार हलीम से फिर भी हलीम थोड़ा बेटर होता है और इनका हलीम अच्छा होता है। अच्छा, मैंने ना जद्दा का हलीम भी लिया था, उससे ज़्यादा बेटर मुझे इनका लगा, बहुत अच्छा टेस्टी इनका हलीम था। तो यहाँ से मैं हलीम ले रही थी और उसके बाद मैंने कहा यहाँ से मैंने फिर नान भी साथ में ही लिए, क्योंकि इनके नान, इंडस के हलीम, ये सारी चीज़ें बड़ी टेस्टी होती हैं। इनकी बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने कहा नहीं बिरयानी नहीं खानी है यार, बिरयानी से थोड़ा हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि डेली बिरयानी खाने से भी ना आप कोलेस्ट्रॉल हाई बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, तो हम लोगों ने कहा यार थोड़ा अवॉइड ही करो, बहुत हम लोग ऑयली वगैरह खाने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं उनसे कह रही थी कि और क्या क्या आपके पास अभी अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा जी चिकन कोरमा है, चिकन कढ़ाई है, ये सारी चीज़ें थी। खैर इन्होंने मुझे पैक कर दिए थे बॉक्सेस, और उसके बाद मैं इनसे कह रही थी इसमें मसाला वगैरह सब डाल दीजिएगा, और ये जो है सारा मसाला वगैरह ये डाल के मुझे दे रहे थे। मैंने कहा ये सही है कि भाई ये खा लिया जाता है, स्पून से भी आप हलीम खा लें तो आपको रोटी की इतनी नीड नहीं होती ना,
तो बस यही चल रहा है। और यहाँ से फिर मैं निकल रही हूँ घर के लिए, और ये रात का टाइम है और यहाँ से मैं तकरीबन निकल गई थी। उसके बाद मुझे टेलर के पास भी जाना था, क्योंकि टेलर को तो यार दिमाग खपाना पड़ता है। कुछ आप स्टिच कराएं और वो कुछ और ही करके दे देते हैं, बस क्या बोलें। तो खैर, यहाँ से मैं टेलर के पास चली गई थी और यहाँ पे जी मैं रोटियों का वेट कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जी कोई डबल रोटी लगती है, वो मैं लगा के आपको दे रहा हूँ ना आना। तो मैंने कहा चलें वो फटाफट लगाते हैं। और वीडियो आप पसंद आई है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने जी ये सब ले लिया था, सारा खाना वगैरह, और ये मैं निकल रही हूँ घर के लिए ना। और ये अब आ जाते हैं सेकंड डे पे, क्योंकि मैं गई हुई थी स्टाइलो गई थी मैं, हाँ, क्योंकि मुझे चप्पल लेनी थी। और ये जी जमजमा वाली ब्रांच है स्टाइलो की ना। अच्छा, मैंने ना हाइपर स्टार में जो इनकी स्टाइलो की ब्रांच है ना, तो वहाँ पे मैंने डिज़ाइंस देखे थे। मैंने कहा मे बी क्या मुझे इनकी जमजमा वाली ब्रांच में पसंद आ जाए। तो यहाँ पे देखें ये सारे डिज़ाइंस आए हुए हैं, सारे ये न्यू अराइवल्स हैं ना। अच्छा, मुझे सिल्वर में चाहिए थी, तो मैं जो पॉइंट आउट कर रही हूँ तो मैं इनसे कह रही थी आप ये वाली ना सैंडल्स आप मुझे निकाल दें। तो ये मैं इनसे निकलवा रही थी सैंडल्स, और मैंने चार पांच सैंडल्स निकलवाए, लेकिन उसमें से एक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जो कह लें कि जी सिल्वर मुझे चाहिए था ना। लास्ट मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने सिल्वर पर्स वगैरह ले लिया था, लेकिन मेरी सैंडल्स रह गए थे सिल्वर। तो मैंने फिर है ना वो, ये मैं आपको डिज़ाइंस भी दिखाती हूँ। ये वाला जो डिज़ाइन था ना पहले, ये मैंने इनसे निकलवाया, ये जो देखें ये जो ये वाला है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका कुछ अलग लुक आ रहा था ना, सिल्वर ग्रेश में आ रहा था, ब्लैकिश भी आ रहा था, ग्रेश भी आ रहा था। मैंने कहा दो तीन सूट्स पे आपके आराम से चल जाएगा ना, वरना मेरे पास चप्पल, एक दिन मैं आपको अपने सैंडल्स की वीडियो दिखाऊंगी, मेरे पास सैंडल्स इतनी सारी हैं, लेकिन होता यही है कि बस वो एक दफ़ा एक सूट में पहन ली, फिर दूसरे सूट पे जो है वो आप नहीं पहन पाते कि जी ये मैच नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। यहाँ देखें, यहाँ इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है, और अच्छा स्टाइलो में ना सेल लगी हुई है, ठीक है। तो आप लोग जाएं स्टाइलो से लें, क्योंकि अच्छी खासी सेल लगी हुई है और बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे लेने तो अपनी सैंडल आई थी, सैंडल मैंने जो है वो इनसे ले ली थी, वो भी मैं अभी आपको उसका क्लिप दिखाती हूँ। लेकिन मुझे ना यहाँ पे एक इनका ब्लैक शूज़, ब्लैक कलर के शूज़ थे जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे थे, तो मैंने कहा वो भी मैं ले लेती हूँ। नॉर्मली कैजुअल आप पहने तो कोट शूज़ अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी ले लेती हूँ। ये देखें ये समर अराइवल्स और ये सारा ये सब आया हुआ है ना, ये देखें। नहीं, ये तो खैर पुराना डिज़ाइन है, ये मैं ले चुकी हूँ उनकी ये वाली सैंडल, ये थोड़ा अच्छा मुझे लग रहा था ना। अच्छा, ये भी मैंने ये वाली भी चप्पल निकलवाई थी, हालांकि ये मेरे मैं पहले ले चुकी थी। जब इन्होंने बाहर निकाल के मुझे दिखाई तो मैंने कहा नहीं फिर ये रहने दें, ये सैंडल मेरे पास है ऑलरेडी। तो ये देखें ये वाली मैंने ले ली थी सैंडल, ठीक है, ये मुझे बिल्कुल सेट थी, और मेरा सिल्वर ड्रेस है तो सिल्वर पे ये जा भी रही थी ना। और यहाँ पे उन्होंने कहा जी आप क्लिप बना लें अपना, देख लें आपको जो है ये सूट कर रही है। अच्छा, ये बड़ी रिलैक्सिंग थी ना ये जो सैंडल थी, मतलब बहुत रिलैक्स, क्योंकि यार चप्पल वो लें जिसमें आप रिलैक्स फील करें ना, तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा। ये वाले शूज़ जो है ना ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसमें इनके इनके पास मेरा साइज़ नहीं था, और ये वाला साइज़ मुझे लूज़ था, ये मुझे चलने में ना पीछे से उतार रहा था ना ये शूज़ ना। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ये तो मुझे नहीं सेट हो रहा है आप, है ना। उन्होंने कहा आप हमारी दूसरी ब्रांच पे देख लेना जाके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इनके बैग्स वगैरह देख रही थी, लेकिन ऑलरेडी पर्स तो मैं ले चुकी थी, गोल्डन भी ले लिया था मैंने, ब्लैक सिल्वर सारे ले लिए थे, लेकिन इनके पास भी अच्छी वैरायटी थी। और मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक इनका ना ब्लैक पर्स लिया था, ये जो ऊपर, मैं अभी आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाती हूँ, वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो भी बड़ा अच्छा लुक आता है ना उस बैग का, ब्लैक कलर का है, राउंड बिल्कुल है वो बैग ना, ये देखें जो ब्लैक ऊपर है ना राउंड बिल्कुल जो है वो वाला बैग मेरे पास ऑलरेडी इनका था। और ये देखें ये इनकी वैरायटी, और ये सारा ऑफ है इनका, 51% 50% आई थिंक कुछ ऐसा है ऑफ। ये देखें ये पर्स भी काफ़ी अच्छे थे, 11% ऑफ है इसमें, नहीं चप्पलों में 50% है। ये देखें ये काफ़ी अच्छी मतलब वैरायटी मुझे लगी ना बैग्स की। और अब वैसे भी आजकल शादियों का सीज़न है, तो आप लोग जाके आराम से जो है ना जी परचेज़ करें, काफ़ी अच्छी जो है इनकी सेल लगी हुई है। और मैं यहाँ से अब निकल रही थी, मैंने कहा चलो यार यहाँ से निकल के ना फिर मैं इनकी ना हाइपर वाली ब्रांच चेक मार लेती हूँ,
कि वहाँ पे अगर मुझे मिल जाती है। ये बैग्स भी देखें अच्छे आए हुए, देखें इसमें 51% सेल है और ये काफ़ी अच्छे बैग्स आए हुए थे। लेकिन बैग्स भी मैंने अभी स्टाइलो से ही लिया था लास्ट, उसमें जीन्स का वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो बैग्स की भी मुझे इतनी नीड थी नहीं, तो मैंने इसका जो है ना वो क्लिप बना लिया था। खैर ये देखें बहुत अच्छी जो है यहाँ पे वैरायटी आई हुई है, ये देखें। और यहाँ से मैं जनाब जा रही थी जो है हाइपर स्टार वाली इनकी ब्रांच में, मैंने कहा चलो वहाँ चल के मैं देखती हूँ कि वहाँ पे अगर मुझे ये वाला ब्लैक वाला शूज़ मिल जाए, तो वहाँ पे मैं जाने के लिए अब निकल रही थी। और फाइनली जो है मैं इनकी हाइपर स्टार वाली ब्रांच में जो है ना वो मैं यहाँ मतलब हाइपर स्टार में आ गई थी। यहाँ पे नीचे इनका मेडिकल है, वहाँ से मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने वहाँ से मेडिसिन ली हाइपर स्टार में से नीचे। क्या नाम है यार इसका, आई डोंट, मुझे मेरे जहन से निकल गया इस मेडिकल का नाम ना। तो ये जो है यहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी मतलब दवाइयाँ वगैरह काफ़ी सही होती हैं। ये मैं हाइपर स्टार में एंटर हो गई थी डॉलमन मॉल में, हाँ जी ये डॉलमन मॉल में मैं एंटर हो गई थी, यहाँ से मैंने मेडिसिन ली थी और मैं अब ऊपर जा रही थी स्टाइलो में। मैंने कहा चलो ये वाली ब्रांच जो है ये मैं देख लेती हूँ और यहाँ पे चलें देखते हैं यहाँ पे मेरा जो है मुझे शूज़ मिलते हैं नहीं मिलते क्या होता है। अच्छा इसके बराबर में फ़र्स्ट टाइम मेरी नज़र पड़ी है, यहाँ पे इनकी ब्रांच है टोनी एंड गाय की ना, ये पार्लर है इनका। तो मैंने कहा चलो फिर मैं यहाँ पे भी चलते हैं, पहले हम यहाँ से जो है ना मैं शूज़ वगैरह देख लूँ। तो यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी यार ये ब्लैक वाला शूज़ है, तो वही हुआ जो सेम वहाँ पे था। उन्होंने कहा नहीं जी साइज़ नहीं है, आप दूसरा देख लें। और जो दूसरा था वो मुझे काफ़ी फिटेड हो रहा था और दूसरा जो है वो काफ़ी ये वाला, तो उन्होंने कहा जी साइज़ नहीं है, दोनों ब्रांचेस में नहीं था, जबकि ये शूज़ मुझे कुछ बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ पे मैं इसके बराबर में आ गई थी पार्लर में, मैंने कहा चलो टोनी एंड गाय है तो इसमें देखते हैं इनका मैनीक्योर पेडिक्योर या फेशियल्स वगैरह जो है वो कैसे हैं। तो यहाँ पे जनाब सर्विसेज लोगों की हो रही थी और मैं इसमें एंटर हो गई थी। ये हाइपर स्टार में है, ये डॉलमन मॉल में है फर्स्ट फ्लोर पे टोनी एंड गाय। अच्छा इनका मैं आपको ना ये दिखाती हूँ, इनका कार्ड है, इनकी सारी रेट लिस्ट है, ये देखें। इनका मैनीक्योर पेडिक्योर मैं तो देख रही थी, मैंने कहा चलो वो चेक मारते हैं कितने का है। तो वो जनाब था मेरा ख्याल में 2600 में, ये मुझे बता रही थी कि जी वो है मैनीक्योर पेडिक्योर। ब्लोर ड्राई भी कुछ इनका काफ़ी एक्सपेंसिव था, हेयर कट था कुछ लाइक 3000 यानी 5000 कुछ इस तरह से था। खैर मैंने कहा चलो एक ट्राई मारेंगे कभी पेडिक्योर, इनसे मैनीक्योर करा के देखूँगी कैसा है, क्योंकि हम लोग तो फूड कम्फर्ट से कराते हैं। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा ना यहाँ से भी करा के ना देखते हैं मैनीक्योर पेडिक्योर। और ये देखें यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये सर्विसेज हो रही थी लोगों की, ये देखें ये इनका था टोनी एंड गाय। और यहाँ पे जी ये डोनट्स वगैरह थे, ये भी फर्स्ट फ्लोर पे ही थे। और यहाँ पे तो इन लोगों ने सेटिंग तो मना ही की हुई है इंडोर जो है, तो वही है कि जी आप जो है वो बाय कर लें और वैसे भी आप वो करा लें, क्या कहते हैं पार्सल करा लें। अच्छा यहाँ पे ये आइसक्रीम्स थी तो मैं वैसे ही रुक गई थी, उन्होंने कहा जी टेस्ट करके देखें, ये उन्होंने ये भी कोई नया खुला है आइसक्रीम्स का ना डॉलमन मॉल में। खैर मुझे तो इतना आइसक्रीम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं ना, मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा छोड़ो यार मैं तो वैसे ही गुजर रही थी तो मैंने देख ली। तो ये भी काफ़ी जो है चेंजेस आ गई हैं, काफ़ी नई चीज़ें खुल गई हैं। इन्होंने ये चॉकलेट क्रंच आई थिंक मुझे दी थी, इन्होंने कहा टेस्ट आप करें आपको पसंद आएगी। आइसक्रीम इनकी अच्छी थी नो डाउट, लेकिन मुझे इतना इतनी अच्छी लगती नहीं है आइसक्रीम, तो इसलिए मैंने ये ली नहीं थी आइसक्रीम। और यहाँ से जी मैं उतर रही थी नीचे ग्राउंड पे जा रही थी, और यहाँ पे फिर मुझे वही घर से एज़ यूजुअल आप लोग कहेंगे कितने फ़ोन आते हैं इसको घर से कि अभी ये ले आना अभी वो ले आना, बहुत ही चटोरे हैं ये लोग। लेकिन वही है कि बच्चों का फ़ोन आया हुआ था कि जी आप कुछ लेती हुई आइएगा, मैंने कहा मैं तो हाइपर स्टार में हूँ, तो उन्होंने कहा हाइपर स्टार में देख लें आप वहाँ पर भी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा हाइपर स्टार में अगर आपको खाना परचेस करना हो तो इनका जो नीचे जो है ग्रॉसरी सेक्शन है वहाँ पे पूरा इनका फूड आइटम्स वगैरह सब होते हैं, और इनका ऑयल वगैरह बहुत बेस्ट होता है, मतलब ना आप कहीं बाहर से लें तो वो इतना वो नहीं होता, लेकिन इनकी चीज़ें नो डाउट बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर अच्छा मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाता है तो मैं परचेज़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे एंटर हो रही थी, इनकी चना चाट अच्छी है काफ़ी ज़्यादा,
और मैं यहाँ पर आई थी कि जी मुझे और कोई चीज़ अगर कोई बेटर होगी तो मैं ले लूँगी, लेकिन जो है यहाँ पे सब कुछ फिनिश हो चुका था क्योंकि ये रात के 10 बज रहे थे। ये देखें, अच्छा यहाँ पे सारे कबाब्स वगैरह सैलड्स थे इनके पास, सारे सैलड्स लेने नहीं थे, वो हमने दोपहर में खा लिए थे। ये सारे तिक्के शिक्के ये सब थे, कबाब थे इनके पास, ये चना चाट थी, तो खाने का टाइम था तो मैंने कहा चना चाट तो मैं ले नहीं रही, और ये सारी चीज़ें थी। ये देखें यहाँ पे ये है, मतलब तकरीबन सब फर्निश ही था, चरगा था, ब्रोस था, पिज्ज़ा इनका ये था, और खाने में देखें काफ़ी सारे डिशेस बिल्कुल एंड हुए थे। तो मैंने कहा अब मैं इनसे यहाँ से क्या लूँ, बिरयानी वगैरह तो मैंने वैसे ही नहीं लेनी थी, तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार कुछ ऑर्डर करके मंगा लेना तुम लोग बच्चों को। मैंने फिर यही कहा, और ये मिक्स सब्ज़ी इनके पास पड़ी थी, और ये चने थे जो कि मुझे लेने ही नहीं थे, चने भी नहीं और मिक्स सब्ज़ी भी नहीं। तो बस फाइनली यही हुआ, मैंने इस तरह अपना पूरा हफ्ता गुजारा। चलें जी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।